नमस्कार। अमेरिका में ब्लीचिंग पाउडर और लाइसोल पीना लोगों को पड़ा भारी। जी दोस्तों, फिर ट्रंप बोले मैंने तो मजाक किया था, लेकिन ये मजाक बन गया भारी। इस खबर को सुनने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक करके आप हमारा हौसला बढ़ा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात करते हैं राष्ट्रपति ट्रंप के प्रेस कॉन्फ्रेंस के वक्त कोरोना वायरस टास्क फोर्स ने एक प्रेजेंटेशन दिया, जिसमें कहा गया कि सूरज की किरणों में कोरोना वायरस सिर्फ 2 मिनट तक जिंदा रहता है। वही ये बात भी सामने आई कि ब्लीच और आइसोप्रोपिल अल्कोहल से कोरोना वायरस 5 मिनट में मर जाते हैं और अल्कोहल से 30 सेकंड में उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने सुझाव देते कहा कि अगर ये वाकई काम करता है तो कोरोना मरीजों के शरीर में ब्लीच और आइसोप्रोपिल अल्कोहल जैसे क्लिंजर का इंजेक्शन देना चाहिए। लेकिन इस सुझाव को सुनकर 30 लोगों ने ऐसे पदार्थों को निगल लिया और राष्ट्रपति ट्रंप से जब उनके सुझाव पर सवाल पूछा गया तो वो बोले, आप जैसे संवाददाताओं में मजाक में सवाल पूछ रहा था, बस ये देखने के लिए कि क्या होता है। जी हां दोस्तों, इस मजाक को पड़ गया भारी। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने लगातार इस बात पर जोर दिया था कि अमेरिका को कोरोना वायरस के इलाज के बारे में डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। जी हां दोस्तों, अगर आप भी कुछ रोगों से परेशान हैं तो आप भी डॉक्टरों से सलाह लेकर ही दवा लीजिए। और ऐसी ही खबर पाने के लिए आप हमारी चैनल के साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।